अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे आ गए स्कूल से और खाना पीना भी हो गया है इनका, बच्चों का। और अब हम करने हैं अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, आतिफ के गिफ्ट्स पहले की। तो मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? और उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह का खुश रखे सब। तो अब हम कल जो मुझे गिफ्ट मिले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स की। सबसे पहले मिली है आतिफ को एक अच्छी सी, मैंने और जैसी मैं चाह रहा था ऐसी हो गई। सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट जूती है ये, अंदर ऐसी लग रहा है ना, लेदर ऊपर। दिखाएं कैसी है जरा क्रीम से हमें। ये देखें जी, ये है आतिफ की एक जूती। अब यही पहनना घर पे, अच्छी है, पसंद आ गई आपको? बहुत अच्छी है। और सारिम को पसंद आई? सारिम डैडी की जूती कैसी है? देखी आपने? सॉफ्टी है। ओह, सारिम अपना बर्थडे भी है, बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे बच्चों ने दिए सारे गिफ्ट्स ये हैं। सारिम, सारिम आपकी पीछे से बैक आ रही है भाई। आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी दिखाओ जरा डैडी के। पर ये दिया है सारिम शाह ने। सारिम शाह हटो, आगे से हटो। सारिम शाह, परफ्यूम है प्यारा सा, जी डॉट का। इसका नाम है खुमार। खुमार दिखाएं करीब से हमें जरा। आए अल्लाह पाक, ये देखें, ये है आतिक का एक परफ्यूम, इसलिए कि आतिफ को परफ्यूम्स का बहुत शौक है। एक चॉकलेट है मेरी है और एक ग्लासेस है। हाँ, एक ग्लासेस भी है क्योंकि इन्हें ग्लासेस का भी है शौक से। लड़कों के तो गिफ्ट समझ ही नहीं आते कि बना रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, नाइस, अच्छी लग रही है। पसंद आया आपको? ये परफ्यूम, ग्लासेस भी है, चॉकलेट मेरी कितनी थी, चॉकलेट सारी भी ले गए उठा के। अब वो खाएगा, इसमें फ्रेग्रेंस का वो भी पड़ा हुआ है। बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत स्मेल है ये, बाकी चीजें नाइस। अब ये लगाइएगा, बिल भी रखा हुआ है। बिल, सॉरी वो मैं निकालना भूल गई, बताइएगा नहीं कितने का। और ये भी है बैग, इसमें ये अपिया के है ना, बाकी और जो इनकी सिस्टर है उन्होंने सबने दिए हैं पैसे मनी। ये एक ये नेविया के और एक ये वाला बॉडी स्प्रे। कब लाइए यार, हमने खामोशी से बस की है शॉपिंग। ये कुर्ता है, पसंद आया कुर्ता भी आपको? नाइस है, बहुत नाइस, सारी चीजें बहुत जी जी जी। लेकिन एक मुंह में नहीं डालो बेटा, सारे मुंह में नहीं डालो, खुशबू लगी हुई है इसके ऊपर मेरी चॉकलेट। वाओ, अब ये हम सेटिंग कर दें परफ्यूम की, लगा के देखें लॉक हुआ हुआ होगा। अब लॉक, अब लॉक, फिर खोलो। डैडी चलाना आता है वैसे आप? हो गया, ये कैसे है? दोनों की अच्छी है खुशबू, मिक्स लगा रहे क्या? मिक्स लगा रहे हो आप? डैडी के बहुत सारे परफ्यूम बॉडी स्प्रे है, किसी दिन कलेक्शन, किसी दिन कलेक्शन बताएंगे हम आपको। मैं आपको अपने सारे परफ्यूम सब जितने फ्रेग्रेंस है मेरे पास, मैं आपको चेक करूँ। चले अब हम अब समेट दें। अब ये बैग हमने कल से सजाए हुए थे कि अभी इनकी अनबॉक्सिंग हो जाए, हम आपको सारे गिफ्ट्स अपने दिखाएं, तो फिर हम इनको समेट दें। अपिया के बच्चों ने दिए हैं, वो भी बहुत अच्छी है ना।
पैसे भी मेरे पास कुछ पैसे भी आतिफ को भी सारी सिस्टर ने पैसे दिए। हाँ। चले अब हम ये रखते हैं, समेटते हैं, ठीक है। और सारे भी गायब हो गया है ना, ज़ैनब ने बहुत अच्छा डेकोरेशन, लाइट बड़ी अच्छी लगाई थी। हम लोग बाजार चले गए तो घर आए तो ज़ैन ने लाइटें लगाई हुई तो बहुत ही अच्छी, बहुत नाइस लग रहा था सारा कुछ। बहुत मज़ा भी आया था कल, कह रहा सारा डैडी भाग गए थे। हाँ मज़ा आया था कल। अब नेक्स्ट मंथ है ज़ैनब की आएगी अब 11 जुलाई को, फिर आएगी सारिम की सितंबर में, 23 सितंबर को। फिर इंशाल्लाह हम आपको, आतिफ की पिछली बर्थडे हमने बहुत अच्छी की थी, याद है टिक्का पार्टी की थी, तब तो हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, वो बहुत अच्छी बर्थडे थी। क्या हुआ, चोट कैसे लग गई? पानी पीते हुए चोट लग गई, दीवार लगी है। ओ मेरा बेटा, चलो डैडी के पास आ जाओ। ओए खून निकल रहा है, ओए मेरे छोटा सा बेटा। चले एक्टिंग शुरू हुई है कि मैं जरा चीजें समेटू। अब क्या हो गया? बड़ी जोर से लगी है, बड़ी जोर से लगी है। चलो मैं देखती हूँ जरा अपना ब्लॉग बंद करके, फिर आपको चेक करती हूँ। सो सारे मियाँ कर रहे हैं होमवर्क, रोना धोना मचा मचा के, क्योंकि उनका दिल चाह रहा है सारे पेज ही फाड़ दूँ। और आतिफ खा, ज़ैनब खाने लगी है गोलगप्पे यमी से। आपों ने ही चौड़ा करा हुआ इस बच्चे को, है ना, सर पे उठा पोक किया हुआ, क्या कहते हैं, चढ़ाया हुआ सर पे। ये देखो कैसे रेजर और चीजें फेंकी जा रही हैं। तुमने खाना है गोलगप्पा? क्या कर दूँ, आग में डाल दूँ? क्यों, किताबें कापियां आग में डाल दूँ? किसका दिल चाहेगा? आपका कभी ऐसा दिल करा है आतिफ पढ़ने के लिए? नहीं, सारिम का तो यही दिल चाह रहा है, छोटे हो ना तुम इसलिए तुम्हारा ऐसे दिल चाहता है, छोटे हो ना, बड़े होगे ना तो तुम कहोगे मैं पढ़ लेता तो अच्छा था। गोलगप्पे दिखाओ ज़ैनब, गोलगप्पे। और ज़ैनब खाने लगी हैं गोलगप्पे। कैसे तुमने खाना है? जाओ बैठ जाओ आपो के साथ खा लो। चलो देखेंगे पहले आपो खाती है कि सारिम। चैलेंज करने लगे हो ज़ैनब, चैलेंज हो रहा है। सॉरी चैलेंज में पता चले सारे ही खा लिए। चैलेंज होगा वाकई, चैलेंज के लिए तो ज्यादा गोलगप्पे होने चाहिए सारे। मिलने से गोलगप्पों में नहीं चैलेंज होता, अभी आपो ही खा ले और वैसे ही आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। भूख तो मुझे लग रही थी, भूख तो वैसे आपको लग रही थी, गए तो आप अपने लिए था, कुछ लेके आता हूँ। चीनी का पराठा बना दूँ आपको, मीठा पराठा? नहीं, हर चीज़ में ये बंदा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं क्या खिलाऊं? चलो तुसी खाओ तो फिर मैं कुछ करनी अपना काम। सो मैं यहाँ आई हूँ कुकिंग करने के लिए और पीस रही हूँ मैं अपना लहसुन अदरक। और यहाँ हो रही है हमारी माश की दाल बॉयल और यहाँ पे हो रहे हैं हमारे मैक्रोनी दम पे। मैंने ये ज़रा उसके बाद फेंकूँगी, बॉयल तो हो गए हैं और फिर इसका मसाला वगैरह भूनते हैं और फिर इसको रेडी करते हैं। और सारिम जो है वो बाहर ही कहीं खेल रहे हैं और बस ये कूद के फिर मैंने कहा ज़रा अपना खाना शाना बनाते हैं, रात का डिनर रेडी करते हैं। तो सारिम खेल में बिज़ी हुए हैं, बस अभी आते हैं तो फिर उससे भी गपशप लगाते हैं। और आतिफ गए हुए किसी काम से, मैंने कहा मैं अपना काम ही क्यों ना कर लूँ जब तक मैं अपनी हंडिया रेडी कर लूँ। मैं पीस के रख लेती हूँ अदरक लहसुन हफ्ते हफ्ते का, और अब मैंने पिक्सा वाली है बारीक लहसुन है देसी, तो वो ज़रा प्रॉब्लम होती है मुझे छीलने में। तो अब बस मैंने कहा ये काम करें और फिर अपनी खाना रेडी करें। कर रही हूँ ये सारी मेरे साथ, हाथ रख दे आप। हैं पैडी क्यों रो रहे हैं ये, और बालों के साथ क्या हो रहा है? मसाज हो रहा है बालों में। अच्छा मसाज कर रही हो, पार्लर आए हुए सारे? हाँ जी, मैं कुकिंग कर रही हूँ, सारे बैठे हुए ब्यूटी पार्लर में। मास्क लगाए बोल नहीं सकते। अच्छा ये बोल नहीं सकते, मुंह तो बहुत फनी लग रहा है इनका। चले आप इनका पेडिक्योर करें कंप्लीट और फिर हम मिलते हैं। और मैं मैक्रोनी बना रही हूँ साथ दाल बना रही हूँ। और ज़रा पार्क में क्या हो रहा है, हम ये भी तो झांके। बच्चे ले रहे हैं पींगे, ना अच्छा लग रहा है ना, बच्चे पींगे ले रहे हैं। मेरा सारे नहीं जाता इस वाले पार्क में, एक तो ये वैसे भी लेडीज़ पार्क है, यहाँ दुकानें खुली होती है, कमर्शियल एरिया है तो हम बाहर यहाँ पे नहीं निकलते। और क्योंकि छोटी छोटी इस पार्क की दीवारें हैं और यहीं से हम देख लेते हैं अपनी, और फिर सारे भी ज़िद नहीं करता यहाँ जाने की।
تو یہ دیکھیں کتنے مزے سے بچے پینگے لے رہے. ویسے زینب کو بہت شوق ہے پر یہاں پہ جانے کا نام نہیں لیتے زینب کے, یہاں پہ چل کے پینگے لیتے ہیں مزے سے. بہت اچھا مزے دار سا, ذرا شام ہو رہی ہے, ویدر ہو رہا ہے. اور ساری میں پیڈی کی اور بھی دکھاتی ہوں آپ. اچھا یہ ہیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. جی واہ بہت نائس, بہت نائس نائس. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میں نے بولا ہاتھ نہیں ہلا سکتے اپنے. چلیں آپ کریں, میں ذرا اپنا کام کر لوں. اور وہ لگانا کھڑکی پہ یہ فون. سو گائز میکرونی ہو گئے ہیں میرے ڈن, اور دال ابھی ڈن نہیں ہوئی, ابھی پیاز ہی کاٹ کے رکھے. یہ میں بعد میں ڈن کروں گی کیونکہ ابھی ٹائم ہے. زینب کو لگ رہی تھی بھوک تو میں نے کہا اس کا تو کھانا کرے ریڈی, تاکہ یہ کرے کھانا پینا. اندر ہو گیا ساری کا جھگڑا آپوں کے ساتھ, آپوں نے اسے لڑکی بنا دیا تھا پونیاں مان کے. اب میں جا کے وہ سالو کرواتی ہوں ان کا جھگڑا. کیا مسئلہ پڑ گیا تھا ہے؟ تم نے کیوں اس کی پونیاں مان کے لڑکی بنایا ہے؟ بہن نہیں ہے تو بھائی کو پونیاں باندھ کے وہ دیکھو رو رو کے ادا ہو گیا سی. بس میرا بچہ آپ ڈیڈی آئیں گے نا, میں آج ڈیڈی کو شکایت لگاؤں گی. اور یہ جو بازار آپ نے پھیلا دی ہے پونیاں کنیاں تو سارا کچھ پینے شینے یہ سمیٹو ٹھیک ہے سارے. ڈیڈی آئیں گے نا میں انہیں بتاتی ہوں ذرا کہ آپوں نے اس کو لڑکی بنایا تھا. میں کھانا بنا رہی ہوں کوشش لونا. سو گائز ہو گئی ہے رات, کھانا کرتے ہیں ہم اپنے ولاگ کو یہیں پر اینڈ. اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کرنا مت بھولنا. تب تک کے لیے بائے بائے. پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں تب کے لیے بائے بائے.